नमस्कार दोस्तों, यदि आपने अपना ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन भर दिया है तो क्या आप उसको विड्रॉ करके दोबारा भर सकते हैं, या आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन भरने जा रहे हैं और वहां पर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करें, किस तरीके से अपना फॉर्म फिलअप करें, आइए सीखते हैं आज के इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो है। और हाँ, अभी तक भी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। हाय गाइस, मैं हूँ रवि और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोरवाल टेक पर। तो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर जब आप अपना ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन भरने जा रहे हैं तो वहां पर आपका ऑन रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैंने जब पहले ये वाला वीडियो बनाया था तो वहां पर ऑन रिक्वेस्ट का ऑप्शन भी था और आपके जो और बाकी के चार ऑप्शन जो अभी आपको दिखा रहे हैं वो भी वहां पर था। लेकिन गाइस क्या है कि क्रिस ने सबसे पहले ऑन रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन को रखा नहीं था, बीच में जोड़ा था और अब फिर से उन्होंने ऑन रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन को हटा दिया है। बेसिकली गाइस, इसके कॉन्सेप्ट को आप समझोगे तो जब आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो उसका नाम ही ऑन रिक्वेस्ट है, तो वहां पर ऑन रिक्वेस्ट सेलेक्ट करने की तो कोई बात ही नहीं होती है। बाकी के जो चार ऑप्शन आपको दिखाते हैं, स्पाउस ग्रांट पे या हैंडीकैप्ड जो भी कुछ है, तो वो इसलिए ऑप्शन है कि ताकि एक वरीयता आपको वहां पर मिल जाए कि भाई ये वाला केस जो पर्टिकुलर इस वाले उस मोड में है, ठीक है ना। वहां पर आपको 5 ईयर कंपलसरी सर्विस का एग्जेप्शन भी मिल जाता है, तो उस केस के लिए वो चार ऑप्शन वहां पर दिए गए हैं। लेकिन अगर आपका सिर्फ ऑन रिक्वेस्ट केस है और बाकी कोई और अदर उस कैटेगरी में से नहीं है, स्पाउस नहीं है, कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड नहीं है या कुछ और है जो उसमें दिए हुए हैं, तो आपको कोई सा भी ऑप्शन वहां पर सेलेक्ट नहीं करना है। आप बिना ऑप्शन सेलेक्ट किए ही अपना ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन सबमिट कर दे, उसको एज ए ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर ही माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका एक जो कंफ्यूजन था ये मैंने क्लियर कर दिया है कि अगर जब आप अपना ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन एचआरएमएस में भरने जा रहे हैं और अगर वहां पे ऑन रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना ऑप्शन सेलेक्ट किए अपना ट्रांसफर एप्लीकेशन सबमिट करिए, ठीक है। तो गाइज, ये तो हुई हमारी पहली बात। अब दूसरी बात ये कि क्या हम अपने ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन को विड्रॉ करके दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, आप बिल्कुल अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ करके दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने अपना ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन पहले ही ऑफलाइन लगा रखा है और उसकी एंट्री आपके डीलिंग क्लर्क ने एचआरएमएस में कर दी है, वो आपको दिखा रही होगी, ठीक है ना। अगर उस एप्लीकेशन को आपने विड्रॉ कर दिया तो वो उसकी एंट्री दोबारा से वहां पर नहीं होगी, और अगर आप दोबारा से एप्लीकेशन लगाओगे तो वो आज की डेट का एप्लीकेशन माना जाएगा, ना कि उस डेट का एप्लीकेशन माना जाए। तो आप गलती से भी उस एप्लीकेशन को विड्रॉ मत कर देना, अदरवाइज आपकी मेहनत माटी में जा सकती है। तो गाइस, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, अगर आपका एप्लीकेशन ऑफलाइन वाला था या 15 अगस्त से पहले वाला जो आपका ऑफलाइन एप्लीकेशन था उसकी एंट्री एचआरएमएस में हो चुकी है और वो आपको दिखा रहा है वहां पर, तो उसको विड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया एचआरएमएस में और वो मान लीजिए किसी स्टेज तक प्रोसेस हो गया, सुपरवाइजर ने फॉरवर्ड कर दिया या कंट्रोलिंग ऑफिसर ने फॉरवर्ड कर दिया, या आपका सुपरवाइजर के पास पेंडिंग पड़ा या डीलिंग क्लर्क के पास पेंडिंग पड़ा या किसी और आगे की स्टेज पे पेंडिंग पड़ा है। आप चाहते हैं कि नहीं, मैं यार इस एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहता हूँ, मुझे म्यूचुअल मिल गया तो मैं म्यूचुअल करना चाहता हूँ, या आप कहीं दूसरी जगह पे अपना ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाना चाहते हो, तो आप किसी भी स्टेज पर अपने ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि वापिस ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। म्यूचुअल के केस में आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, लेकिन ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में आप विड्रॉ कर सकते हैं, आपका केस चाहे किसी भी स्टेज पर क्यों ना हो। अगर आपने अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया है तो आप उसको दोबारा भी सबमिट कर सकते हैं, आप कितनी भी बार अपना ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन एचआरएमएस में लगा सकते हैं, ठीक है ना। और आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन भी एचआरएमएस में लगा सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आई होप गाइस, अब आपको पता लग गया होगा कि आप विड्रॉ करके अपना ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जब आप दोबारा सबमिट करते हैं तो कई बार आपका सबमिट का बटन हाईलाइट ही नहीं होता, तो वो इसलिए नहीं होता है कि आप या तो सारे फील्ड नहीं भरते होंगे, या आप जहाँ पे टिक बॉक्स है वहां पे टिक करना होता है तो वहां पे टिक नहीं करते होंगे, या आप अपने सुपरवाइजर का नाम नहीं डालते होंगे। तो जब तक वो सारी एंट्रीज पूरी नहीं रहेंगी तब तक आपके सामने वो सबमिट का बटन हाईलाइट नहीं होगा। तो आप जब भी अपना ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एप्लीकेशन भरो तो जिसमें भी जितने भी कंपलसरी फील्ड है वो सारे भरे हुए होने चाहिए, तो डेफिनेटली आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा और सारी चीजें आपकी सही तरीके से वर्क करेंगी। तो गाइस, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर से संबंधित मैंने आगे की जो प्रोसेस के वीडियो है वो भी चैनल पर बना रखे हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं।
और मेरी जो इतनी भी आगे आने वाली वीडियो है उनको जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको एचआरएमएस में कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, किस टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए। तो आई होप गाइस ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।